हेलो एवरीवन आज हम पढ़ने वाले हैं द थर्स गर्ल जो कि क्लास फोर विंड चैम्स बुक का नाइन्थ चैप्टर है ओके okay? तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे लेट मी टेल यू दैट दिस स्टोरी इज लिटिल बिट बिग एंड दैट्स वाई मैं इसको रीड आउट नहीं करूँगी आपको सिर्फ़ इसका मीनिंग समझाऊंगी सो so, बनी रही है मेरे साथ अगर आपको पूरा वीडियो एंड पूरा चैप्टर समझना है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल मैं हूँ आरती शर्मा एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ वन मोर थिंग राइट योर नेम इन द कमेंट सेक्सन सो दैट आई कैन नो दैट हु इज़ अंडरस्टैंडिंग ओके एंड देखिए एक बार की बात है एक छोटी सी बच्ची थी जिसे बहुत मन करता था कि वो एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ सके ओके तो इसीलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है जिसे दादी जी बोलती है और जाकर बोलती है दैट प्लीज़ ग्रैंड मदर मैं एनिमल्स uh, की लैंग्वेज को समझना चाहती हूँ तो क्या आप मुझे सिखाओगी कि कैसे एनिमल्स के लैंग्वेज को समझते हैं वो जैसे बात करते हैं तो कैसे समझ में आएगा वो क्या बोलते हैं तो देखिए एनिमल्स की लैंग्वेज को समझना तो कोई छोटी सी बात है नहीं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द ग्रैंड मदर कुड डू मैजिक बट नॉट मच तो ग्रैंड मदर थोड़ा सा मैजिक कर सकती थी उसे सिखाने के लिए बट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थी तो ग्रैंड मदर ने उसे रिप्लाई दिया कि माई चाइल्ड uh, मैं सिर्फ थ्रेसेस समझती हूँ थ्रेसेस मीन्स क्या होता है बर्ड्स के जो सॉन्ग होते हैं जो चिड़िया वगैरह गाती है जो आवाज़ आती है उनको उनको थ्रेसेस बोला जाता है तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं बस उतना ही जानती हूँ उससे ज़्यादा नहीं जानती हूँ एंड दैट इज़ नॉट वर्थ द ट्रबल तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट प्लीज़ टीच मी रिप्लाइड द लिटिल गर्ल तो लिटिल गर्ल बोलती है ओके okay, तब आप मुझे सिखाओ कि कैसे बर्ड्स की लैंग्वेज को समझ सकते हैं इसलिए ग्रैंड मदर ने सोचा और उसे ये समझाया कि अगर तुम्हें थ्रेसिस को अंडरस्टैंड करना है तो ये बहुत इजी बात है तुम्हें बस एक ही काम करना है तुम बर्ड्स को लेके ना बहुत काइंड रहा करो मतलब बहुत दयालु रहा करो बर्ड्स वगैरह को ऑलवेज़ क्रम्स वगैरह दिया करो वो भी टाइम टू टाइम क्रम्स क्या होता है उनके खाने का दाना वगैरह जो होता है तो वो तुम ऑलवेज़ थ्रो किया करो उसे टाइम टू टाइम दिया करो तो देखिए उसके बाद जब वो सीख जाती है इनके लैंग्वेजेस को तो जब कभी भी वो वुड्स से जाती है वुड्स क्या होता है फॉरेस्ट फॉरेस्ट से जब कभी भी जाती है तो वो थ्रस से सुनती हुई जाती है और अपनी ग्रैंड मदर की बात को रिकॉल करती है कि ग्रैंड मदर ने ठीक ही कहा था इनके पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है बर्ड्स के पास और उसके बाद वो अपने फादर के पास जाती है और फादर के पास जाकर बोलती है ब्रिंग इन हे फॉर इट विल रेन tomorrow वो अपने पापा को बोलती है कि जितने भी हे है हे क्या होते हैं जो फूड वगैरह जो होते हैं एनिमल्स को देने के लिए चारा वगैरह जो होता है उसे हे बोलते है बोलते हैं तो जितने भी हे है ना उन सबको घर में ले आइए बिकॉज कल बारिश होने वाली है तो जो दाना चारा वगैरह होता है वो पानी में ख़राब हो जाएगा इसीलिए वो पहले से ही बोल दी कल बारिश आने वाला है तो इसके फादर भी इस पर बिलीव कर लेते हैं और जितना भी हे वगैरह चारा वगैरह रहता है उसको इवनिंग में ले आ जाते हैं फिर देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग बारिश होना शुरू हो जाती है एंड तो इसने तो अपने फ़ादर को बोल दिया था कि बारिश आने वाली है लेकिन बाकी किसी को तो नहीं पता था तो डिस्ट्रिक्ट में जितने लोगों का भी हे थाना जो चारा था वो सोक्ड हो चुका था सोक्ड मीन्स वेट गीला हो चुका था लेकिन सिर्फ इसके फ़ादर का ड्राई था तो इसके फ़ादर बहुत ग्लैड थे बहुत हैप्पी थे कि इन्होंने अपने बच्चे की बात को मान लिया लेकिन जितने भी फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से थे बिकॉज उन्होंने सोचा कि ये तो उन लोगों का लॉस है एंड द गर्ल इज़ नो गुड दे सेड सी विल गो टू द बैड तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसके साथ भी ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा होगा लेकिन फिर भी इस छोटी सी बच्ची ने किसी को कुछ नहीं कहा वो वापस अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और जाकर बोलती है कि मैंने थ्रसेस तो समझ लिया लेकिन अब मैं मोल्स की लैंग्वेज़ को समझना चाहती हूँ मोल्स क्या होते हैं जो चूहे के जैसे एक और जानवर रहते हैं जिसे हम लोग एग्जैक्टली हिंदी में छुचुंदर बोलते हैं उन्हें मोल्स कहा जाता है तो वो बोलती है मैं मोल्स की लैंग्वेज को समझना चाहती हूँ उसके ग्रैंड मदर बोलती है कि माई डियर चाइल्ड तुम्हारे पास तो काफ़ी कुछ तुम सीखना चाहती हो लेकिन कोई बात नहीं तुम्हें काम करना एनिमल्स को लेकर बहुत काइंड रहना उनको टाइम टू टाइम वैसे ही केयर करना और तुम देखना यू विल अंडरस्टैंड देम आफ्टर टाइम तुम धीरे धीरे उनको भी समझने लगोगी तो उसके बाद थ्री मंथ्स हो चुके थे एंड गर्ल कुड अंडरस्टैंड द मोल्स तो अब वो मोल्स की लैंग्वेज को भी समझना शुरू कर दी थी एक दिन क्या होता है उसके फादर बोलते हैं वो अपने फादर को बोलती है एंड वन डिस इज सेट टू हर फादर वो अपने फादर को बोलती है दैट जितने भी पोटेटोज हैं ना उनको डीप ग्राउंड में डाल दो बिकॉज कल फ्रीज होने वाला है फ्रीज क्या होता है स्नो बर्फ गिरने वाली है कल तो वो अपने फादर को बोलती है उसके फादर उसकी बात मान लेते और ठीक वैसे ही नेक्स्ट डे स्नोविंग होती है बर्फ गिरता है तो उसके फादर ने तो जितने भी पोटेटोज़ तो सबको ना ब्यूरी कर दिया था ब्यूरेट क्या होता है जमीन के अंदर गाड़ देना तो इसीलिए वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं थे वो एकदम सेफ थे लेकिन बाकी फार्मर्स ने बहुत मोनज कर रहे थे ग्रोन्ड हो रहे थे मोन क्या होता है विलाप करना किसी चीज़ के ऊपर रोना गुस्सा करना बिकॉज उनके एक भी पोटेटोज़ बचे नहीं थे यहाँ तक कि उस लड़की के जो फ़ादर है उन्होंने सब को वन भी किया था लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो भी वो लड़की किसी को कुछ नहीं बोलती है एंड सभी लोग सोचते हैं दे थॉट द गर्ल लिटिल वॉज बेवेस्ड उनको ऐसा लगता है कि ये जादू टोना करने वाली है फिर भी वो लड़की किसी को कुछ भी नहीं बोलती है तो देखिए अब वो लिटिल गर्ल उन्होंने उसने थ्रोसेस सीख लिया और उसके बाद मोल्स की लैंग्वेज भी सीख ली अब वो वापस अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और जाकर बोलती है कि मैं बीस की लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि यू नो मोर देन आई नो तो अब तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा ही पता है अब तुम खुद पता करो कि तुम कैसे बीस की लैंग्वेज को समझ सकती हो एंड तुमको खुद को कोई उपाय निकालना पड़ेगा जिससे तुम अच्छे से समझ सको तो देखिए वापस से वो लड़की क्या करती है सारे बीज को लेकर बहुत ज़्यादा काइंड हो जाती है बीज क्या होते हैं मधुमक्खी वगैरह तो वो कभी भी अब हनी नहीं खाती जो भी रहता है उसे हाइप सीमेंट मीनस में, मधुमक्खी के छाते में ही छोड़ देती है और कुछ टाइम के बाद उसे वो लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से समझ में आने लगी थी एंड वन डे और उसके बाद देखिए एक दिन क्या होता है वो छोटी बच्ची अपनी मदर के पास जाती है और जाकर बोलती है जितने भी ट्रीज़ है ना सबको और कार्डमेट मीनस गार्डन में अच्छी तरीके से रख दो एंड विंडोज़ को बहुत टाइटली लॉक कर दो बिकॉज़ कल बहुत ज़ोर तूफ़ान आने वाला है एंड दैट एवरी इवनिंग अ माइटी विन रोज अप एंड रूइ ऑल द हाउसेज़ और उसके बाद से हर शाम को बहुत ज़ोर से हवाएं चलती थी और चारों तरफ घर में घुस जाती थी उसके बाद देखिए हवाई चलने के वजह से जितनी भी ट्रीज़ थी ना सब बो हो गए बो मीन्स क्या होता है झुक जाना एंड ब्रॉक और टूट भी गए और पूरे लैंड में जो एरिया था चारों तरफ डिस्ट्रेस था इट मीन्स बहुत उदास का माहौल था बट सिर्फ वो आर्क जिसमें वो लिटिल गर्ल थी और जिसको उसने सेफ रखा था उसके ट्रीज़ बिल्कुल सेफ थे उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा था इसीलिए बाकी के लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कहा कि ये तो पक्का जादू जादू वगैरह करती है वी विल बर्न हर हम लोग अब इसे जला डालेंगे किसे जलाएंगे उस छोटी बच्ची को ओके आई होप आपको स्टोरी समझ में आ रही है अगर अच्छी लग रही है देन प्लीज लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो देखिए बाकी लोगों ने तो डिसाइड कर ही लिया है कि वो उसे जलाएंगे इसीलिए सारे लोग दौड़े दौड़े आते हैं चारों तरफ से ड्राई ब्रांचेस लेके आते हैं ब्रांचेस क्या होता है गाँच की जो टहनियाँ होती है उसे ब्रांचेस बोलते हैं और बहुत बड़ा आग लगा देते हैं लिटिल गर्ल बेचारी कुछ नहीं बोलती है टॉप पर पाइल क्या होता है पाइल मीन्स ढेर वो जो लकड़ियों का ढेर रहता है उसके ऊपर बैठ जाती है एंड थ्रसेस बोलती है थ्रसेस थ्रसेस हेल्प मी नाउ वो जितनी भी बर्ड्स रहती है सबको बोलती है कि आओ और मुझे हेल्प करो तो देखिए वो जब बोल रही थी थ्रसेस को बचाने के लिए तो बाकी लोग तो नहीं समझ पाते हैं लेकिन बिकॉज़ ये तो बर्ड्स की लैंग्वेज होती है लेकिन थ्रसेस बर्ड्स जो रहती है इससे समझ जाती है एंड थाउजेंड्स नंबर्स में बहुत सारी बर्ड्स आती है एंड जितने भी ट्विग रहते हैं जो टहनियाँ ब्रांचेज रहती हैं उन सबको प्लग करके उन सबको उठा के वहाँ से ले जाती है एंड धीरे धीरे सारे जो आ, ब्रांचेस थे वो हट गए अब बचा कौन सिर्फ वो लिटिल गर्ल बच गई तो अब कैसे आग लगेगी बिकॉज जिस टहनियों में वो लोग आग लगाना चाहते थे उन सबको तो बर्ड्स ने उठा के ले गया हैप्पीली उसके बाद छोटी सी बच्ची दौड़ी दौड़ी अपने घर जाती है और रो कर अपने फादर को बोलती है कि फादर मदर द बर्ड्स फ्री मुझे आज उन बर्ड्स ने बचा लिया ये देखिए इमेज देखिए और इमेज देख के समझने की कोशिश करिए सारे लोग देख रहे हैं एंड बर्ड्स सबके मुंह में ना एक टहनी है और छोटी सी ये लड़की यहाँ पर खड़ी है तो छोटी बच्ची की बात को सुनकर उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन उनकी जो हैप्पीनेस रहती है बहुत टाइम तक नहीं चलती है बिकॉज सोल्जर्स आ जाते हैं और आकर बोलते हैं ओपन पे दिख रहा वो बोलते हैं दरवाज़ा खोलो बिकॉज हम लोग उस छोटी बच्ची को लेने के लिए आए हैं और उसके बाद उसे मार्केट में लेके चले जाते हैं और वहाँ पर एक पर्सन रहता है जिसके हाथ में बहुत ही ग्लीमिंग एक्स ग्लीमिंग मीन्स क्या होता है चमकदार इट मीन्स बहुत धार वाला एक्स रहता है एक्स मीन्स कुल्हाड़ी और उसको बोलता है कि तुम्हारा जो हेड है ना उसे हम लोग काट देंगे हटा देंगे गर्दन से तुम एक काम करो नील डाउन हो जाओ स्ट्रेच आउट योर नेक देन वो छोटी बच्ची कुछ नहीं कर सकती थी वो जैसे बोलते हैं वो वैसे ही करती है और उसके बाद वो बच्ची बहुत जोर से रोती है और चिल्लाती है बीस बीस हेल्प मी नाउ तो जितने भी बीज रहते हैं वो सब अब आकर इसकी हेल्प करेंगे तो देखिए जब वो बीज को हेल्प के लिए बुलाती है तो वो जो एक्स मैन था वो तो कुछ भी नहीं समझता है बिकॉज ये बीज की लैंग्वेज थी लेकिन जैसे ही वो बुलाती है वैसे ही थाउजेंड्स बहुत सारे बहुत सारे बीज हमिंग करते हुए हम क्या होता है उनकी आवाज़ होती है देखना जब मधुमक्खी वगैरह जाती है तो उनमें से एक आवाज़ आती है वैसे आवाज़ में से जितनी भी बीज रहती है सब आती है और डंक मारने के लिए रेडी हो जाती है और उसके बाद जितने भी वो जो पर्सनस थे वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं और किंग्स सोल्जर्स भी इधर उधर भाग जाते हैं के मारे टेरर मीन क्या होता है डर और वो लिटिल गर्ल वापस से अपने घर में दौड़ कर जाती है फुल स्पीड में और रोती हुई बोलती है फादर मदर हियर आई एम द बीज हैव मी देखो फादर मदर मुझे बीज ने बचा लिया इस बार तो देखिए उसके बाद क्या होता है इस बार किंग खुद आते हैं राजा खुद आता है और आकर बोलता है बैल बजा कर दैट मैं आपकी बेटी को लेके जाने के लिए आया हूँ मैं आपकी बेटी को मारूंगा तो नहीं लेकिन उसे स्टोन टावर में रहना पड़ेगा इट मींस एक जेल में ही रहना पड़ेगा तो देखिए उस छोटी सी बच्ची को आप टावर में ले चले जाते हैं वहाँ पर विंडोज़ रहती है बड़े बड़े आयरन बार्स होते हैं जो रेलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग खिड़की वगैरह में रर्ड रहते हैं मोटे मोटे और उसको लॉक कर दिया जाता है उसमें थ्री लॉक्स रहते हैं तो बहुत डार्क रहता है वो कुछ देख नहीं सकती है लेकिन उसे आवाज़ सुनाई देती है रेड्स एंड माइस की माइस क्या होता है मोल का प्लूरल फॉर्म होता है इट मीन्स बहुत सारे चूहे तो वो ग्राउंड के ऊपर चिल्लाती है ग्राउंड के पास कान लगा चिल्लाती है और रोने लगती है आई सेल नेवर गेट आउट सिस सेट ओ मोल्स मोल्स हेल्प मी नाउ वो बोलती है कि मैं कभी भी नहीं बच पाऊंगी प्लीज मोल्स तुम मुझे अब हेल्प करो तो देखिए उसके बाद जैसे ही वो उनको बुलाती है वैसे ही थाउजेंड्स ऑफ मोल्स वो ना बिगन टू टनल इट मीन्स वो शुरू कर देते हैं सुरंग बनाना चूहे वगैरह क्या करते हैं खोदते हैं ना बिल बनाते हैं तो वो बनाना शुरू कर देते हैं भीतर से इसीलिए बिल्डिंग हिल जाती है वो जो टावर रहता है वो हिल जाता है टॉपल होना शुरू करता है और ओपन ब्रस्ट एंड द बार्स स्प्रेंग आउट ऑफ द विंडो फ्रेम्स और जब वो बिल्डिंग गिरती है तो जितने भी विंडोज़ वगैरह रहते हैं वो सब खुल जाते हैं बिकॉज ऑब्वियस है जो बिल्डिंग्स हैं गिरेगी तो फिर खिड़की वगैरह कहाँ से बचेंगी और सब कुछ क्रैश हो जाता है टावर भी नीचे गिर जाता है बहुत जोर आवाज़ आती है पूरी होल कंट्री जो है पूरी हिल जाती है ओके okay? एंड उसी समय किंग जो था वो उस समय ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसे भी आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने फॉर्क एंड नाइफ़ को नीचे रखता है और बोलता है द टावर हैज़ फॉलन डिड यू हियर क्या तुमने सुना टावर गिर चुका है तो देखो जब उसका बेटा जो प्रिंस है वो सुनता है और कहानी सब कुछ जानता है कि इस लड़की ने ऐसा ऐसा किया है तो वो अपने फादर को बोलता है कि क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ तुमको कर लेना चाहिए बट वो अभी थोड़ी छोटी है और उसके बाद फादर एंड इट मीन्स किंग एंड प्रिंस दोनों जाते हैं अपने फोर हॉर्सेस को लेकर फुल स्पीड में जाते हैं टावर की तरफ जहाँ पर वो लड़की थी एंड रोड एट फुल स्पीड और द हाउस वेयर द लिटिल गर्ल लिफ्ट नो वो टावर में नहीं जाते हैं वो जहाँ पर लड़की रह रही थी उसके घर पर जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वो खड़ी है एंड जितने भी गार्डन में जो क्रम्स वगैरह है बर्ड्स को दे रही है तो देखो प्रिंस ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो उस बच्ची से शादी करेगा आप बाद में इतनी जल्दी नहीं करेगा बिकॉज अभी उसकी एज बहुत कम है तो वो यही चीज़ पूछता है कि विल यू मैरी मी लेटर ऑन क्या तुम बाद में मुझसे शादी करोगी लेकिन गर्ल बोलती है nah, मैं नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी एंड आई शैल गो अवे वो बोलती है मुझे यहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ उसे पैक थ्री जैम सैंडविचेज इन हर बैस बास्केट एंड एडेड अ फ्यू ब्लैक करेंट्स दैन शी पुट ऑन हर फर ट्रिम्ड क्लॉक एंड वेंट अवे एंड नो वन एवर सॉ हर अगैन तो वो देखो थ्री सैंडविचेस लेती है जैम्स लेती है बास्केट लेती है और अपना कुछ सामान लेती है और लेने के बाद वहाँ से एक क्लॉक भी लेती है एंड वेंट अवे और वहाँ से आगे बढ़ जाती है और उसके बाद से कभी भी किसी ने उसे नहीं देखा तो ये स्टोरी थी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी आपको इस स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके बताइए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल एंड लेट एस मीच विद अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम Thank you so much once again.